नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका जेन इनोवेशंस के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ये जो यूटीएल का गैमा प्लस है और जो भी मेरा सोलर सेटअप है, इसका हर महीने का जो है किलोवाट आवर्स का रीडिंग मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। मतलब एक महीने में ये इस यूनिट ने हमें जो है कितना बिल बचा के दिया है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो तारीख है वो मैं आपको बता दूं, आज है 1 जुलाई, और जुलाई का जो महीना होता है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। तो जून में जैसा कि हमने देखा कि जून का जो महीना था वो पूरा ही बादलों से घिरा हुआ था, कम्प्लीटली डार्क और क्लाउडी स्काईज हमको देखने को मिले हैं। लेकिन जुलाई का जो फोरकास्ट है ये कुछ ऐसा है कि शायद जुलाई में हमको ढेर सारी जो है बारिश देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर जून का वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो यहाँ पे ऊपर जाके जो है आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आप चेकआउट कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि आज का इसका रीडिंग क्या है, और इस मंथ के जो एंड में है हम पता कर पाएंगे कि क्या इसका जो परफॉर्मेंस था वो क्लाउड्स में ठीक था, क्या बारिश में ठीक था, या किस तरह का जो परफॉर्मेंस है हमको इसने एक मानसून के सीजन में लाकर दिया है। तो दोस्तों, मैं आपको बैकलाइट लगा के बताऊं कि रीडिंग जो है वो क्या है। तो आपको मैं तारीख एक बार फिर बता दूं, आज जो है जुलाई का महीना है, 1 तारीख है, और आज का जो रीडिंग है 417.9। तो दोस्तों, आप लोग बैठिए टाइम मशीन में और हम मिलते हैं नेक्स्ट मंथ। हाँ, तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं वापस और एक बार हमारे यूटीएल गैमा प्लस की ओर, और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगस्त लग चुका है और आज जो है 6 अगस्त है, और आइए देख लेते हैं कि इसने जो है कंप्लीट जुलाई मंथ में कितनी सेविंग हमें बना के दी है। दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जुलाई का जो महीना था काफी ज्यादा क्लाउडी महीना था, इसमें हमें कुछ बारिश भी देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो क्लाउड की संख्या काफी ज्यादा थी। तो आइए देख लेते हैं कि एकदम क्लाउडी सिचुएशन में हमें जो एक महीने का जो इसने यूनिट सेविंग करके दिया है वो कितना करके दिया है। तो दोस्तों, पिछले रीडिंग में जो हमारा जो रीडिंग आया था वो था 417.9, और यहाँ पे जो रीडिंग आया है वो आया है 532.3। इन दोनों को अगर हम माइनस कर लेते हैं तो इसने जो है जो ये 36 दिन थे 36 डेज के अंदर इसने जो है लगभग 114 यूनिट हमें सेव करके दिए हैं। ऊपर जो है मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन डाल दूंगा। और दोस्तों, अगर हम ये जो इसका जो डिफरेंस है इसको अगर हम 36 डेज से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3.1 यूनिट्स पर डे। मतलब हमारा जो सेविंग है वो जो जुलाई का सेविंग है उससे भी थोड़ा सा कम हुआ है, और आपको ये अंदाज आ ही गया होगा कि ये जो चीजें हैं ये डेफिनेटली बारिश की वजह से हुई है। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियो अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जून वाला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सोलर एनर्जी के प्लेलिस्ट में आपको वो वाला वीडियो भी मिल जाएगा। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे गाइस।